नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन नेवी ने अब अपने MiG-29 के फाइटर जेट्स को इजरायली रैमपेज स्टैंड ऑफ वेपन से लैस करना शुरू कर दिया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इससे पहले भारत ने MiG-29 के फ्लीट पर अपने स्वदेशी मिशन कंप्यूटर्स को इंटीग्रेट किया है। इसके बाद अब इन डेक बेस्ड फाइटर जेट्स पर रैमपेज एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन को लगाया जाएगा, जिसे कि इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री ने तैयार किया है। और ये हाई वैल्यू टारगेट्स के खिलाफ खास करके रडार इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन सेंटर्स, दुश्मनों की वेपन स्टोरेज फैसिलिटी, इसके अलावा उनके एयरफील्ड्स को लंबी दूरी से निशाना बना सकती है। दोस्तों पिछले साल भारतीय नौसेना ने रैमपेज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को अपनी एक परीक्षण सुविधा में अपग्रेड किया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय नौसेना हो या भारतीय वायुसेना, वो नॉन न्यूक्लियर अटैक्स के लिए इस तरीके की जो ALBMs हैं उन्हें चाहती है, क्योंकि दोस्तों रशिया इन्हें काफी बड़ी संख्या में तो बना चुका है, वहीं चाइना इन पर काम कर रहा है और भारतीय वायुसेना रैमपेज हथियारों को अपने तेजस Mark II फाइटर जेट के लिए सिलेक्ट कर चुकी है। हालांकि ये जो मिसाइल है इसे आसानी से डिटेक्ट तो किया जा सकता है, लेकिन इसे रोकना काफी कठिन हो जाता है और खास करके ये दूर के लक्ष्यों के खिलाफ बहुत ही बेहतर मिसाइल मानी जाती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एम्बरर डिफेंस एंड सिक्योरिटी की तरफ से दावा किया गया है कि उनका जो C-390 मिलेनियम मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इस एयरक्राफ्ट को फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी यानी कि FOC सर्टिफिकेशन मिल गया है, जिसे कि पुर्तगाल ने दिया है। और एम्बरर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के CEO ने ये कहा है कि उन्होंने भारतीय वायुसेना के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का भी जवाब दिया है और वो भारत को इस एयरक्राफ्ट के लिए प्राथमिकता देगा। एम्बरर का ये दावा है कि इस तरीके का जो डेवलपमेंट और सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, इस दौरान 3500 घंटे प्रोटोटाइप विमान पर अलग अलग स्थितियों के तहत उड़ाए गए और 85,000 घंटे लेबोरेटरी परीक्षण बेंच और इक्विपमेंट का उपयोग करने के लिए किए गए थे, क्योंकि भारत 60 से 80 यूनिटों को खरीदने की बातचीत कर रहा है, जिनमें कि भारत के HAL के द्वारा बनाई गई स्वदेशी सामग्री लगाई जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अंडमान और निकोबार कमांड बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास X-कवच आयोजित कर रहा है, जिसमें कि सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक शामिल है। इस ज्वाइंट सर्विसेज एक्सरसाइज में वॉर फाइटिंग क्षमताएं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इंटरऑपरेबिलिटी और ऑपरेशनल सिनर्जी को बढ़ाना है। इसके अलावा ज्वाइंट फोर्सेस ने मल्टी डोमेन एक्सरसाइज की, जिसमें कि MBFS लैंडिंग, एयरलैंड ओप, हेलीबॉर्न ऑप्स और रैपिड इंसर्जन ऑफ स्पेशल फोर्सेस आदि इसमें किया गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों INS चेन्नई से एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का परीक्षण किया गया है। आपको बता दें कि ARD ने हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ मिलकर एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट को तैयार किया है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 8.5 किलोमीटर है और इसका INS चेन्नई से सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया। दोस्तों इस एंटी सबमरीन रॉकेट का इस्तेमाल दुश्मनों की पनडुब्बियों को घेरने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस तरीके के रॉकेट्स को अकेले या फिर सेल्वो में भी फायर किया जा सकता है, ताकि दुश्मनों की पनडुब्बी की जो आवाजाही है वो बाधित भी हो सके और वो टॉर्पीडो फायर ना कर सके। दरअसल दोस्तों ये जो स्वदेशी एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट है, ये रूसी रॉकेट RGB-60 की जगह लेंगे, जिनकी अधिकतम रेंज 5.3 किलोमीटर है और इसका इस्तेमाल भी पनडुब्बियों से निपटने के लिए किया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों लॉकहीड मार्टिन और बोइंग ने AGM-158C लॉन्ग रेंज स्टेल्थ एंटी शिप एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है, जिन्हें की P-8 पोसाइडन मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा और 2025 तक इसका इंटीग्रेशन और टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। दरअसल भारतीय नौसेना इस वक्त 12 यानी कि 12 P-8I एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है और ये जो 400 किलोमीटर वाली AGM-158C लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, इसके लिए भी भारतीय नौसेना बातचीत करना शुरू कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय P-8I भी इस तरीके की 4 मिसाइलों को अपने पंखों के नीचे ले जा सकता है और यही नहीं, भारतीय नौसेना 100 यानी कि 100 नेक्स्ट जनरेशन एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की भी खरीद करने वाली है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कुछ खबरें ये आ रही हैं कि तेजस Mark II का फ्रांस में इसी साल एयर इनटेक टेस्ट सर्टिफिकेशन पूरा हो गया है और तेजस Mark II का जो एयर इनटेक है वो बिल्कुल तेजस Mark I वेरिएंट की तरह है और DRDO इस बात को लेकर निश्चित है कि पहला तेजस Mark II प्रोटोटाइप का जो सर्टिफिकेशन और रोल आउट है वो अगले साल किया जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भारत सरकार काफी स्ट्रिक्ट है इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को लेकर, ताकि इस प्रोजेक्ट में कोई डिले ना हो सके। इसके अलावा भारत सरकार दोस्तों एक बड़ा फैसला लेने वाली है, जिसके तहत राफेल फाइटर जेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में होगी और ऐसे में भारत राफेल फाइटर जेट का एक्सपोर्ट भी कर सकता है किसी तीसरे देश को। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों AMCF 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का डिजाइन को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। DRDO अब इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से अप्रोच करना शुरू कर चुका है, ताकि इसकी फंडिंग के लिए अप्रूवल मिल सके और एक बार प्रोजेक्ट सेंक्शन हो जाता है तो पहला प्रोटोटाइप
अमेरिकी F414 इंजन के साथ 2026 में रोल आउट होगा और इसकी पहली फ्लाइट 2027 के अंत में होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि OTA चेन्नई से ग्रेजुएट होने के बाद भारतीय सेना अप्रैल 2023 में महिला आर्टिलरी अधिकारियों के पहले बैच की नियुक्ति करेगी। भारतीय वायुसेना में MiG-21 सुखोई जैसी फाइटर जेट उड़ाने वाली कई महिला अधिकारी हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने भी महिला अधिकारियों को अपनी अग्रिम पंक्ति के जो युद्धपोत हैं उन पर तैनात कर रखा है। दोस्तों, आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल होने वाली सभी महिला अधिकारियों को हॉविजर और रॉकेट सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, खबर ये आ रही है कि सऊदी अरब भारत निर्मित तोपों का नया ग्राहक बन सकता है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि रॉयल सऊदी आर्मी ने कल्याणी समूह के द्वारा बनाई गई भारत 52 155 mm 52 कैलिबर टोड हाउजर और गरुड़ा V2 और 105 mm गन माउंटेड का अपने यहाँ रेगिस्तानी इलाकों में परीक्षण किया। उन्होंने अब भारत को इसके लिए ऑर्डर दिया है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण यह है कि रॉयल सऊदी आर्मी GC-45 हाउजर का इस्तेमाल करती है जो कि 155 mm की हाउजर है, जिसे कि गिराल्ड बुल स्पेस रिसर्च कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है, लेकिन बाद में कल्याणी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया। और भारत 52 CG-45 हाउजर का एक मॉडर्न अवतार है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कई सुधार किए गए हैं और इसकी उन्नत 52 कैलिबर की बैरल है। दरअसल रॉयल सऊदी आर्मी GC-45 हाउजर से काफी परिचित है क्योंकि इसका इस्तेमाल वो लंबे समय से कर ही रहे थे और कल्याणी समूह से इसकी पर यूनिट कॉस्ट उन्हें करीबन 13-14 करोड़ रुपए पड़ेगी और कहा जा रहा है कि 70-80 बंदूकें रॉयल सऊदी आर्मी खरीद सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत खुले, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान के दृष्टिकोण को साझा करता है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों को अपने द्विपक्षीय सहयोग के दायरे को और बढ़ाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने एक बैठक के दौरान जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री ओका मासेमी के साथ बातचीत की। जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उपमंत्री भारत आए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि स्वदेश लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस ट्रेनर विमान ने अपनी पहली उड़ान भरी और 35 मिनट की ये उड़ान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरपोर्ट से की गई। इस ट्रेनर विमान को LCA ट्रेनर LT-5201 नाम दिया गया है। इसे लीड इन फाइटर ट्रेनर यानी कि लिफ्ट भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य फाइटर जेट की ट्रेनिंग देना है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें हवा से जमीन पर हमला भी किया जा सकता है। अभी यह विमान सिर्फ वायुसेना के फाइटर जेट LCA तेजस की ट्रेनिंग के लिए बनाया गया है, लेकिन कुछ ही सालों में नौसेना के लिए भी अलग ट्रेनिंग विमान बनेगा और HAL तेजस के प्लेटफॉर्म पर ही ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी कि TEDBF और का कैट्स मैक्स यानी कि कॉम्बैक्ट एयर टीमिंग सिस्टम, तेजस मार्क 2 और सुपरसोनिक ओमनी रोल ट्रेनर भी बनाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत को आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ नियंत्रण संबंधी आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV कार्यक्रम समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना है। और दोस्तों, सांख्यिकी आयोग की सदस्यता के लिए कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा था और भारत ने गुप्त मतदान के दौरान 53 मतों में से 46 मत प्राप्त किए। एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी की 2 सीट के लिए भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन दावेदार थे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, दुनिया में स्पेस बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। साल 2020 में स्पेस इकोनॉमी का साइज करीबन $447 अरब का था, जिसके 2025 तक $600 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। इस बाजार में दोस्तों चाइना, रशिया बड़ी ताकत है, लेकिन अब हाल ही के दिनों में ये दोनों अलग थलग पड़ गए हैं। चीन का अमेरिका के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि यूक्रेन युद्ध के बाद रशिया भी अलग थलग पड़ गया। ऐसे में दोस्तों भारत तेजी से इस सेक्टर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। इस रेस में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रईस एलन मस्क की कंपनी SpaceX भी शामिल है। हालांकि भारत एक विश्वसनीय विकल्प बनकर भी यहां पर उभरा है। इसरो की कमर्शियल भारतीय न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में ब्रिटेन की कंपनी OneWeb के 3 दर्जन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट की माने तो स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस को अपने नए रॉकेट तैयार करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भारतीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में स्पेस सेक्टर को विकसित करने में काफी तवज्जो दी गई है। इसका मकसद भारत को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में टॉप डेस्टिनेशन बनाना है। स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। न्यू स्पेस के चेयरमैन ने बताया कि आने वाले समय में हैवी लिफ्ट लॉन्चरों की भारी कमी हो सकती है और न्यू स्पेस आपको मालूम ही है कि इसरो की ही कंपनी है और ये कंपनी देश के सबसे बड़े रॉकेट LMV-3 के प्रोडक्शन में तेजी ला रही है। 2025 तक भारत के सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज की वैल्यू करीबन 2 गुना बढ़कर $1 अरब तक पहुंच जाएगी और न्यू स्पेस 52 इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्विस देती है। तो फिलहाल दोस्तों, ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।